हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं मंगेश सर और फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग अभी 10th पास करके 11th साइंस में जाने वाले हैं। क्यूरियोसिटी के तौर पर आपने 11th के बच्चों को या 12th के बच्चों को पूछा ही होगा कि भाई कैसा है सिलेबस, डिफ़िकल्ट है क्या? तो बहुत सारे लोगों का एक ही कॉमन आंसर मिलेगा, भाई सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक जो है वो है फिज़िक्स, है ना। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। या कोई ट्रिक है हमारे पास या फिर हमारे पास कोई प्लान हो सकता है क्या कि जो यूज़ करके हम फिज़िक्स का स्टडी ईजी करें। फ्रेंड्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री 11th साइंस के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट है, जहाँ पे बायो और मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को साथ मिला के एक ग्रुप बनता है जिसका नाम है PCB, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को मिला के एक ग्रुप बनता है जिसका नाम है PCM। अगर बच्चा कोई चाहे तो ये चारों सब्जेक्ट एक साथ रख सकता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, और इसका ग्रुप बनता है PCMB। तो अब ये ग्रुप जानने की ज़रूरत क्या है? जो बच्चों को अगर बायोलॉजी में करियर करना है तो उन बच्चों का कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि इस वजह से वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल है तो मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं। मगर फिज़िक्स में आपको आगे जाने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके लिए थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। बच्चों, मान लो कि आपने जब 10th में एग्ज़ाम दिया, तब कोई भी बोर्ड ले लो, आपके पास SSC बोर्ड हो जो महाराष्ट्र बोर्ड हो, या फिर आपके पास CBSE बोर्ड है, कहीं भी जाओ, आपको न्यूमेरिकल के तौर पे 100 मार्क का यदि पेपर हो तो 10 या 15 मार्क के लिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछे जाते थे, जो कि सिर्फ फिज़िक्स में थे। और जब फिज़िक्स ऐसा अलग बुक नहीं था, तब आपको साइंस में ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मर्ज किया था। मगर 11th में जब आप आने वाले हो तब ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग होने वाले हैं। और स्पेशली हम फिज़िक्स की बात करें तो जो फिज़िक्स या फिर साइंस हमें 10th के लिए 10 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आते थे, वो सारे न्यूमेरिकल अब 11th में 50% कंपलसरी उसके लिए मार्क्स एलोकेट होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल के ऊपर ध्यान देना होगा। वही तो चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। अगर आप स्पेशली बायो के बारे में बात कर रहे हो, मैथ्स को छोड़ना चाह रहे हो, तो आपको फिज़िक्स में दिक्कत बहुत ज़्यादा आने वाली है। मगर जिन बच्चों का मैथ्स है उनको थोड़ी आसानी ज़रूर होगी। तभी भी जैसे मैंने अभी कहा कि 50% मार्क अगर एलोकेटेड है तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यही नहीं फ्रेंड, 12 के बाद आप नीट, JEE या फिर इस टाइप का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए नियर अबाउट 90-95% मार्क्स ऑफ फिज़िक्स आर एलोकेटेड टू न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा रोल है। इसका मतलब आप जब 11th में जाओगे तो अगर आपको फिज़िक्स अच्छा करना है तो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये ऑब्वियस है, जब आप 11th का बुक देखोगे तो इनिशियल में ही आपको मैथमेटिकल मेथड्स के ऊपर कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, वो बहुत अच्छी तरह से करना ज़रूरी है। उसका अगर हम या न्यूमेरिकल के बारे में जैसे बात करें तो बचे हुए 50% का क्या होगा? बचे हुए जो 50% मार्क्स है 11th या 12th में, जो हम बोर्ड्स के लिए बात करें, तो वो मार्क्स है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है? तो बचपन से हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं जिसमें हमें डेफिनेशन पूछे जाते हैं, या फिर शॉर्ट नोट्स होते हैं, या फिर कुछ छोटे मोटे डेरिवेशंस रहते हैं। मगर अब 11th में ये डेरिवेशन की साइज़ बढ़ने वाली है। तो बहुत बार दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होती है? दिक्कत वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे आपने 11th में जब आप फेस करोगे बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स को। जैसे कि 10th में आपने देखा होगा, मेरे पास अगर रेक्टिलिनियर मोशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन का कोई मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जैसी चीज़ें थी। या फिर उससे पहले स्टैंडर्ड्स में हमने वर्क, पावर या एनर्जी टाइप का कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे। मगर ये सारे कंसेप्ट्स बहुत ही स्पेशल तौर तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं 11th के चैप्टर्स में।
यहाँ पे सिर्फ एक मोशन में नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं, बल्कि हम सर्कुलर मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे अलग अलग मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, जो भी कंसेप्ट हमारे पास आएगा उसका इमेजिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इमेजिन नहीं करोगे तो आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बहुत बार बच्चों को ये आदत होती है कि टेंथ तक हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे रट्टा मार के मेमोराइज कर लेते हैं, मगर वो बहुत ही मुश्किल है कंसेप्ट को समझने के लिए। हाँ, कि जब मैं आपको एक अलग ही आंसर दूंगा, अगर आप 11th या 12th फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप हाउसहोल्ड एप्लीकेशंस या डेली एप्लीकेशंस को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको हर जगह बहुत सारे एग्जांपल्स सामने आएंगे और आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये थे चीज़ इमेजिनेशन ऑफ कंसेप्ट के बारे में। या उसके साथ और एक मैं चीज़ आपको जोड़ देना चाहता हूँ कि जो जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आप घर में कर सकते हो, जैसे जनरल फिजिक्स के बारे में स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन है, या फिर कोई वेव्स वाला कंसेप्ट है, तो इस ऐसी चीज़ें हम घर में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ज़रूर जाइएगा। तीसरी एक चीज़ है, 11th में जब आप आओगे तो प्रैक्टिकल्स नाम का एक बड़ा सेशन आपके पीछे कॉलेज में लगेगा, जिसके लिए आपको 3 घंटा या 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो कुल मिला के 11th में 20-25 प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा बच्चों को कि आप वो सेशंस बहुत ही बारीक से दिल लगा के करना, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होगा। देखो, ये साइंस है और साइंस का रियल आपको व्यू चाहिए, तो सिर्फ बुक में नहीं, तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स वर्कआउट करके चीज़ें समझ में आएंगी। तो साइंस का ज्ञान अगर बढ़ाना है तो प्रैक्टिकल के तरफ आपको अच्छा ध्यान देना ज़रूरी है। ये सारा करके भी मान लो कि आपको दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, तो कुछ डेरिवेशंस बहुत बड़े हैं, तो उसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा बच्चों को कि बच्चों अगर मान लो कि आपको 11th 12th में थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है या फिर वहाँ पे स्कोर करना है, तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेशन जो है वो एज गिवन इन बुक लिखने हैं, वहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है। मगर डेरिवेशन वाला जो कंसेप्ट है वहाँ पे आप खुद की लैंग्वेज यूज़ करके, खुद की मतलब जो लैंग्वेज साइंटिफिकली एनरिच्ड है या साइंटिफिकली करेक्ट है, इस लैंग्वेज में आप एक्सप्लेनेशन लिखने की कोशिश करो, या फिर फ्रेंड्स को वो बताओ, एक आध एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो, एक आधा डेरिवेशन एक्सप्लेन करो, सो दैट वो जो स्किल्स है एग्जाम में लिखने के वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। ये सारा करके भी बच्चों को ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऐसे कोई टॉपिक है क्या जो 10th से लेके 11th में आने वाले हैं, तो बच्चों हाँ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेस, या फिर ग्रेविटेशन के बारे में, या फिर हीट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी 9th और 10th में कंप्लीट किए हैं, और ये सारे टॉपिक आपको 11th में पूछे जाने वाले हैं, इनका स्पेशलाइज सेगमेंट आने वाला है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मान लो कोई हमें बोल सकता है कि सर हमने जो 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला सेक्शन, वो तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। हाँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है। इसी वजह से बच्चों, जो आपका कंसेप्ट ऑलरेडी 9th या 10th में हो चुका है मगर 11th या 12th का वो बिल्डिंग ब्लॉक है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज लाने वाले हैं, जहाँ पर हम ये सारे कंसेप्ट पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम आपके साथ वो या आपके सामने वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर ये छोड़ के भी कुछ डाउट हो फिजिक्स के बारे में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।